इंदौर में पर्यटकों और सैलानियों के लिए पश्चिम रेलवे मंडल ने हेरिटेज ट्रेन का संचालन पिछले साल किया था, लेकिन करीबन 16 महीने तक ट्रेन का संचालन कोरोना के कारण नहीं हो सका, जिसे फिर से रेलवे मंडल ने संचालित करने का फैसला लिया है और जिसको लेकर रिजर्वेशन भी शुरू हो चुका है। देखिए मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की यह खास रिपोर्ट। देखिए क्या है कि 16 महीने बाद में ये ट्रेन चली है, क्योंकि बीच में कोरोना का इम्पैक्ट हो गया था। इसके बाद में अब ये ट्रेनें जो कल से स्टार्ट होगी, आज से इसका रिजर्वेशन स्टार्ट है। और इसमें क्या विस्टाडोम, एक खासियत है कि विस्टाडोम कोच लगे हैं, उसमें क्या पूरी तरह पारदर्शी है और पैसेंजर फैसिलिटीज़ दी गई है और दूसरी कई फैसिलिटी है, इसकी वजह से ये चलाई गई है। इसके बाद में थर्ड एसी चेयर कार के भी सीटें हैं, उसमें भी क्या है कि एक उसका किराया 20 रुपये है, तो उसमें भी लोग सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटली सैलानियों के लिए है। क्यों, बीच में झरनों और वादियों के बीच में ट्रेन गुजरती हुई कालाकुंड पहुंचती है, तो ये एक बेटर, क्योंकि ये मौसम भी अभी इस तरह का है कि कि पैसेंजर जाए वहाँ घूमने के लिए। लेकिन मेजर हमारी ये रिक्वेस्ट है कि सारे लोग एक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि देखिए हमारी तरफ से हमने पूरी तरफ से रिजर्व कर रखा है उसको, तो रिजर्व करने से फ़ायदा ये होगा कि अनवांटेड लोग नहीं बैठ पाएंगे उसमें, या अनरिजर्व नहीं है, एकदम रिजर्व है। बाकी पैसेंजर को भी डिसाइड करना है कि वो कितना इससे बचें और अपनी यात्रा सफल बनाएं। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।